है अपना DJI का Air 3 अभी अपने पास एंड हम लोग आज इसको मस्त उड़ाएंगे। इसके ना दो दो कैमरे आते हैं दोस्तों, ये वाले है ना वाइड एंगल कैमरा, इसके चार चार, जिससे ये पूरा का पूरा सेंस कर सकता है सराउंड। ये पूरा का पूरा सिंगापुर का माल दोस्तों। भाई ये है इसके तीन तीन बैटरी, हर बैटरी 45 मिनट का टाइम दे सकती है फ्लाइट टाइम। जिस वजह से हम लोग इसको समुद्र के अंदर उड़ाते हुए एक आइलैंड पे लेके जा पाए, वो भी 3 किलोमीटर अंदर, लास्ट में उसके भी शॉर्ट से। कैसे ये बटन अगर मैंने दबा के रखा तो चार्ज ट्रांसफर होता है ये बैटरी से ये बैटरी में, ताकि ये फुल चार्ज हो जाए। भाई नीचे से भी इसके सेंसर्स वगैरह काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये जो है ना लगभग 700 ग्राम के ऊपर का आता है, इसको चालू करने के लिए यहाँ से ये चालू हो जाता है। ये देखो भाई, हम लोग अभी इसके सामने ही खड़े और अभी हम लोग इसको उड़ा सकते हैं या तो यहाँ पे एक बटन देते। भाई लिटरली इसने क्या बोला मुझे कि एयरक्राफ्ट के ऊपर तो 500 मीटर के ऊपर मत लेकर जाओ, कहीं पे दिख नहीं रहा है। इसको उड़ाने के ना दो तरीके है, या तो ये वाला बटन दबा के रखो, दबा के मतलब एक बार दबाओ एंड देन टेक ऑफ वाला बटन दबा के रखो, ऑटोमेटिकली टेक ऑफ करेगा। ये देखो ये अभी दिखा रहा है, देखो सामने हम लोग खड़े, इसलिए ऑब्स्टेकल ले। और ये देखो यार ऊपर का सारा नजारा अपने को देखने मिल रहा है। भाई क्या खतरनाक यार फुटेज, काफी खतरनाक है। हम लोग अभी 15 मीटर पे 65 मीटर जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, तो ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको 50 मीटर तक आराम से। वाह यार क्या नजारा है, देखो ना। ओके इनफ भाई, ज्यादा मत जा, पता चला ज्यादा ऊपर लेके गए कोई मिसाइल आ गया, ठोक दिया उसको। इसमें ना तीन मोड्स आते हैं, ये देखो सीने मोड सी, ये एन मतलब कि नॉर्मल मोड और एस मतलब स्पोर्ट्स मोड। तो मैं इसको सीने मोड में लेके जाऊंगा। अब जब मैं इसको पैन करूंगा तो ये थोड़ा धीरे धीरे पैन होगा। भाई साहब क्या नजारा है, ग्रीनरी काफी ज्यादा है हमारे अराउंड। अभी गाइस मैं आपको एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ, इसका 3x वाला कैमरा। सामने देखो एक चट्टान है, वो शायद आपको दिखने रहूंगी, तो मैं इसको पॉज करता हूँ एंड अभी 3x पे चले जाते हैं हम लोग। ये देखो भाई चट्टान कितनी मस्त दिखने लगी, अभी पहले 1x में कैसी दिख रही थी और अब 3x में देखो कैसी दिख रही है। भाई इसमें और भी एक्स्ट्रा जूम किया जा सकता है, ये देखो कहाँ तक जूम हो सकता है इसमें। वैसे लॉस ऑफ क्वालिटी हो जाता है, बस स्टिल सही है। भाई देखो अभी हम लोग खुद की तरफ देख रहे हैं नीचे, हम लोग यहाँ पे नीचे खड़े, आई डोंट थिंक हम लोग दिखेंगे। मे बी अगर मैंने जूम इन किया, हाथ वगैरह थोड़ा सा हिलाऊंगा तो मे बी दिख जाऊंगा। ओ भाई साहब क्या नजारा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है इसको ऐसे देख के ही। भाई ड्रोन है ना काफी ज्यादा गर्म होता है फ्लाइट के टाइम पे, और यहाँ पे लिटरली हाथ ज्यादा टाइम में रख नहीं सकता, तो ये क्या कर रहा है पता है क्या, अभी आवाज आ रहा है देखो यहाँ से, तो ये खुद को ठंडा कर रहा है, लाइक फैन चालू करके ना खुद को ठंडा कर रहा है। इवन बंद किया हम लोगों ने इसकी, ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर सकता है 4K 60Hz तक, एंड जो अपना इंस्टाग्राम का रिजोल्यूशन होता है लाइक वर्टिकल वाला, इसमें भी ये 2.7K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। स्लो मोशन का भी इसमें ऑप्शन आता है, ये देखो स्लो मोशन। ओके एक्टिवेट कर लिया इसने स्लो मोशन, ये देखो 1080p 200fps तक चला गया स्लो मोशन। और 4K में स्लो मोशन करना है तो 100fps, भाई लिटरली बोलता हूँ काफी ज्यादा ओवर किल है ये। और इसमें ना मैनुअल टेक ऑफ जब करना है आपको तो ये दोनों ऐसे कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोपेलर्स घूमने लगते हैं, इसका डिसाइड करना आपको कितना मजा लगेगा। अभी हम लोगों ने ड्रोन को होवर मोड पे डाल दिया है एंड यहाँ पे देखो भाई थोड़ा सा भी हिलने रहा है निकल यहाँ पे। भाई मैं दिखाता हूँ अभी कि स्पोर्ट्स मोड में ये कितना तेजी से जा सकता है, यहाँ से वहां तक के गेट तक। भाई इश्यू ऐसा है कि स्पोर्ट्स मोड में ना ऑब्स्टेकल ही अवॉइडेंस नहीं कर सकता, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। स्पोर्ट्स मोड में मुझे लिटरली डर लग रहा है, अगर कोई काफी एम्प्टी जगह है वहां पे मजा आएगा स्पोर्ट्स मोड ट्राई करने में। अभी तो हम लोग सीधा शिफ्ट करते हैं नॉर्मल मोड पे। भाई अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा अभी, तो ये देखता है मुझे कि धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा डर है मुझे देखता है ये। ओके ये देखो ये आगे का बटन दबा के रखा है, स्टिल ये आगे नहीं जा रहा है, स्टिल ये आगे नहीं जा रहा है क्योंकि सामने दीवार है। अगर पीछे लूंगा तो पीछे आ रहा है, बट आगे का बटन दबाता हूँ तो ये बोल रहा है नहीं जाना, भाई ठोक देंगे हम लोग, इसलिए जाना ही नहीं। बेस्ट है भाई ये चीज, बेस्ट है, हमेशा ये मोड ऑन रहेगा मेरा। तो इसमें ऑब्स्टेकल बाईपास करने की भी कैपेबिलिटी है, इसलिए भाई मैं इसको
काफी सारे पेड़ों के बीच में से फ्लाई कर रहा था। और देख सकते हो अगर बीच में पेड़ भी आ गया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, साइड से होके निकलता है एंड स्टिल यार टारगेट को ट्रैक करते रहता है। प्लस भाई लिटरली बोलता हूँ शॉट भी काफी बढ़िया है। तो गाइस मैं ना इसको आपको कुछ और मोड्स दिखाता हूँ जो कि वीडियो में आते हैं। एक नाइट विजन वाला आता है, अभी तो रात नहीं है। देन एक स्लो मोशन वाला तो मैंने दिखाया आपको। देन एक मास्टर शॉट्स करके मोड है, कोई एक सब्जेक्ट है ना अपने को डिसाइड करना है, ये उसके अराउंड मास्टर शॉट्स लेगा। देन नेक्स्ट एक क्विक शॉट। ओके क्विक शॉट्स तो मैंने पहले भी यूज किए हैं। एक तो ऐसा रहता है कि ड्रोन से ऐसा पीछे जाता है, एक रॉकेट का रहता है कि ऊपर चला जाता है ड्रोन, ये वाला भी एक क्विक शॉट है। तो हम लोग क्विक शॉट मारते हैं, रुको देखते हैं एक दो क्विक शॉट मार के। ये देखो इसको पहले से ही पता है कि सब्जेक्ट्स कौन है अपने, तो मैंने मेरे पे फोकस कर लिया है। और अब भी अगर मैं क्विक शॉट स्टार्ट करूंगा तो ये ऊपर ऊपर जाएगा। और एक क्विक शॉट लेते हैं, ये तो मेरे पे फोकस किया और अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है ये देखो पीछे पीछे जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। मैं एक हाइपरलैप्स निकाल के देखता हूँ कि होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो मैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ एक पैनोरमा। ठीक है निकाल तो रहा है, कैप्चर तो हो गया इससे फोटोज, बट अभी ये इसको कंबाइन करना आई गेस। तो उसके बाद से अपने को पैनोरमा दिखने मिल जाएगा। ये देखो ये पैनोरमा निकाला भाई इसने। ओके भाई साहब क्या खतरनाक पैनोरमा निकला है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर हम लोग खड़े हैं वहां पे, वहां से फोटो निकाला यार, खतरनाक ये चीज। हम लोग स्पोर्ट्स मोड में अभी स्पीड दिखाते हैं इसका। ठीक है एक मिनट, अभी रेडी एंड 3, 2, 1 गो। ये वाला शॉट लेते समय मुझे काफी सारे पंछियों के साथ में वो वाला आइलैंड दिखा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। गाइस वहां पर एक टापू है, भाई देख सकते हो कितना ज्यादा दूर है वो, आप देखो देखना वहां तक जाता है कितना क्लोज जाता है। लिटरली हम लोग है ना उस टापू तक पहुंचे, 3x में है इसलिए ऐसा क्लोज लग रहा है, बट एक्चुअली हम लोग उतना क्लोज गए नहीं है उसके। समुद्र से 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मुझे ये फाइनली ये आइलैंड इतने क्लोज से फर्स्ट टाइम देखने मिला। ये मैंने टेलीफोटो लेंस से लिया है वीडियो ताकि यार ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत ना पड़े, वहाँ पे कोई होगा तो वाट लग जाए। ओके गाइस हम लोग अभी रिटर्न टू होम करते हैं, तो डायरेक्टली ये वापस आ जाएगा। ये बटन दबा के भी होता है, ये देखो ये पाथ भी दिखा था, अभी ये नया अपडेट आया इससे पाथ भी दिखा था कि कैसे आने वाले हैं। ये ऑटोमेटिकली कैमरा एडजस्ट करके भी नीचे दिखाएगा कि एग्जैक्टली लैंडिंग कहाँ होने वाली है। प्लस यार सीरियसली ड्रोन शॉट्स लेने में मजा ही कुछ अलग आता है, स्पेशली ट्रैकिंग वाला एक्टिव ट्रैक इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक शॉट्स भी बन जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस ट्रैकिंग एक बार सेट कर लो, बस चलते जाओ या फिर बाइक राइड करो, जो भी करना है वो कर सकते हो आप आराम से। ये मस्त वाले पंछियों को भी ना मैंने काफी क्लोजअप से देखा, ये भी टेलीफोटो लेंस की मदद से ही। आई थिंक लिटरली बोलूं क्या ये वाले ड्रोन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि जो यूनिक पॉइंट है वो है टेलीफोटो लेंस इसका। और एक बात की मोस्टली ना शॉट्स जो लिए है वो है डी लॉग में, यानी कि डी लॉग एक पिक्चर इस प्रोफाइल में हम लोग कलर कलेक्शन ऐड करके और भी भाई खतरनाक बना सकते हैं, वरना तो ये बहुत फीका दिखेगा। भाई मुझे ना सिर्फ उड़ाने में ही इस ड्रोन को काफी ज्यादा मजा आया। इस ड्रोन से गाइस फोटोज भी काफी ज्यादा बढ़िया आते हैं, 3x यानी कि टेलीफोटो लेंस से तो और भी खतरनाक फोटो आते हैं भाई। लेकिन इसका आवाज है ना कुछ ज्यादा ही है, लिटरली कुछ ज्यादा ही है, इसको लोगों के आसपास उड़ाना थोड़ा मुश्किल है। एक मिनट इससे हवा कितनी आती है देखते भाई, बाल उड़ रहे गाइस। तो जब आपके घर में लाइट चली जाए तो आप इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ फैन। ये देखो थोड़ा सा ऊपर लो, ये ड्रोन की प्राइस एक्चुअली गाइस इंडिया में है 1.5 लाख से भी ज्यादा, लगभग 2 लाख तक भी चली जाती है। इस वाले ड्रोन में ना गाइस ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस काफी खतरनाक है, प्लस ज्यादा जो जोर से विंड आता है ना ज्यादा तेजी से उसमें भी ये स्टेडी रह सकता है, बस दिक्कत ऐसे कि काफी भारी सा है प्लस ज्यादा आवाज करता है। इसका एक्चुअली आवाज का रेटिंग दिया रहता है C1 क्लासिफिकेशन इसका, 81 डेसिबल तक करता है ये आवाज, और जो छोटे ड्रोन होते हैं उनका C0 रहता है क्लासिफिकेशन। इस ड्रोन में ना गाइस नीचे से एक ऑक्सिलरी लाइट है, मुझे पता नहीं था ये कहाँ पे एक्चुअली, ये देखो नीचे एकदम लाइट चल रही है, इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ और चालू भी कर सकता हूँ।
तो गाइस आपको कैसा लगा ये ड्रोन? अगर कुछ और भी आपको ड्रोन के शॉट्स वगैरह देखने हैं तो वो भी हम लोग निकालेंगे और शायद से इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल सकता हूँ, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो ही, एंड और भी ऐसे खतरनाक वीडियोस के लिए लाइक करना भूलो मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।